हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद भाभी जी में आपका स्वागत है। आज हम चना मसाला बनाएंगे। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और नाश्ते के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं चना मसाला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी काला चना ले लिया है। इसे मैं पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी और साफ़ पानी में हम रात भर के लिए चने को रख देंगे। सुबह मैंने चने को कुकर में डाल के 4 से 5 सीटी लगा ली थी। चना हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्ची को भी बारीक कट करके ले लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज और मिर्ची को कढ़ाई में डाल देंगे। प्याज को हम यहाँ पर अच्छे से चला लेंगे, जिससे तेल और प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज को मैंने यहाँ पर अच्छे से चला लिया है। अब हम लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसमें हम अदरक यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच छोला मसाला लिया है और थोड़ा सा पानी मिलाया है, जिससे कि मसालों की जो महक है वो उड़े ना। पानी डालने से मसालों की जो महक है वो बरकरार रहती है। चलिए हम अब प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज को हमें ढककर नरम होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रहेगी और इन्हें बीच बीच में हमें चलाते रहना है। तो चलिए अब हम 5 मिनट के लिए और इन्हें ढककर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर से इन्हें चला लेंगे। 5 मिनट बाद प्याज जो है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो रही हैं, तो हम प्याज को अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि प्याज हमारे जले नहीं। और प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से चला लेना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और प्याज को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम उबले हुए चने डाल देंगे। अब हम यहाँ पर कटोरी में रखे हुए मसालों को डाल देंगे। यहाँ पर करीब मैंने छोटे गिलास से 1.5 गिलास पानी डाला है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा दिया है। चने को यहाँ पर मैंने अच्छे से चला लिया है। अब हम हाई फ्लेम पर चने को अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में चने को अच्छे से चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर चने को अच्छे से भून लेना है, जिससे कि चना का जो पानी है वो बिल्कुल भी सूख जाए। पानी हमें एकदम अच्छे से हाई फ्लेम पर सुखा लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि चना, हमारा जो चना मसाला है वो बिल्कुल भी बनके तैयार है और पानी का देखिए बिल्कुल भी अंश नहीं है इसमें। पानी को मैंने यहाँ पर अच्छे से सुखा लिया है। यहाँ पर मैंने चना मसाला को सर्व कर दिया है और आप देख सकते हैं कि चना मसाला हमारा कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।